नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 34 जिलों में 10वें चरण का मतदान होगा आज। बिहार में जल्द ही की जाएगी 2380 फायर कर्मियों की नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की स्थगित। बिहार में जल्द ही दूर होगी खाद की किल्लत। बहादुर सैनिकों के लिए सीएम नीतीश ने अंशदान की अपील की। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 34 जिलों में 10वें चरण का मतदान होगा आज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अपने समापन की तरफ है। ऐसे में आज 10वें चरण के तहत 34 जिलों के 817 पंचायतों में होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पुलिस मुख्यालय की तरफ से बीते दिन ही कर ली गई थी। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में और जिला अंतर्गत 53 प्रखंडों में होने वाले मतदान के लिए कुल मिलाकर 7,257 मतदान भवन बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10वें चरण के तहत 11,386 मतदान केंद्र पर निर्वाचन होना है, जिसमें से 509 उग्रवाद प्रभावित बूथ है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर 38,000 पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सीतामढ़ी के जनकपुर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार घूमने फिरने के लिहाज से प्रसिद्ध राज्यों में शुमार है। ऐसे में आज हम आपको बिहार के सीतामढ़ी के जनकपुर के बारे में बताने जा रहे हैं। सीतामढ़ी से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व NH 104 से भारत नेपाल सीमा पर भिट्ठा मोड़ जाकर नेपाल के जनकपुर जाया जा सकता है। सीमा खुली है और यातायात की अच्छी सुविधा है, इसीलिए राजा जनक की नगरी तक यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं है। यह वह बहुभूमि है जहां पर राजा जनक के द्वारा आयोजित स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़कर भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह रचाया था। बिहार में धान खरीद की गति बताई गई तेज। बिहार में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीदने की गति इस बार पिछली बार के मुकाबले अधिक अच्छी बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 2,24,000 से ज्यादा धान की खरीदारी हो चुकी है। यह मात्र पिछले साल की तुलना में 15 गुना ज्यादा है। पिछले साल की बात करें तो दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में 15,046 टन धान की खरीद हुई थी, जिसकी जानकारी राज्य के खाद्य सचिव विनय कुमार ने दी है। इसको लेकर उन्होंने बताया है कि सभी जिलों में धान खरीद की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। मंडियों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि जहां कहीं धान खरीद कम होने की सूचना प्राप्त हो रही है, संबंधित जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बिहार में जल्द ही की जाएगी 2380 फायर कर्मियों की नियुक्ति। नौकरी की तलाश में बैठे युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार में जल्द ही फायर कर्मियों के 2380 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। गृह रक्षा वाहिनी के अग्निशमन सेवा के महानिदेशक शोभा ओहटकर ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गृह रक्षा वाहिनी के 75वें स्थापना दिवस पर बिहटा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची शोभा ओहटकर ने उक्त बातें कही हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने अग्निशमन सहित गृह रक्षक, बाढ़ राहत बचाव, निर्वाचन, उग्रवाद पर भी चर्चा की। 1767 रिक्त अमीन पदों की बहाली के लिए निकाला गया विज्ञापन रद्द। बीते दिन 1767 रिक्त अमीन पदों की बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से राज्य में 1767 रिक्त अमीन के पदों पर बहाली पर निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है। उक्त विज्ञापन बीते साल जनवरी 2020 में निकाले गए थे। विज्ञापन रद्द करने का फैसला जस्टिस पीबी बजंत्री ने याचिकाकर्ता रामबाबू आजाद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 3 महीने में सभी रिक्त पदों को भरने का काम पूरा किया जाए। पहचान में हम बात करेंगे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा की। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा भारत के प्रमुख न्यायाधीश थे। उनका जन्म बिहार के शाहबाद जिले, जो कि आज का भोजपुर जिला है, वहां के गांव गाजियापुर में हुआ था, जो बड़हरा अंचल में गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। वो आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 1956 से 31 जनवरी 1964 तक रहा। वो भारत के 6वें प्रधान न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल अब तक के न्यायाधीशों में सबसे ज्यादा रहा है। वो भारत स्काउट एंड गाइड के भी प्रेसिडेंट रहे। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने पटना हाईकोर्ट में वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का निधन 12 नवंबर 1986 को हुआ था।
इस समय तक बन जाएगा पटना एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल। पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है। एयरपोर्ट भवन में Z+5 मल्टी लेवल पार्किंग, ATC टावर, फायर स्टेशन, कार्गो बिल्डिंग, टेक्निकल भवन, अफसरों और कर्मियों के लिए क्वार्टर होंगे। बता दें कि इसको लेकर भारत सरकार ने 1216.90 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के सवाल पर नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट पर समानांतर टैक्स स्टैंड, आइसोलेशन के साथ ही अन्य संसाधनों के लिए बिहार सरकार को 41.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करानी है। अभी यहां यात्रियों की सालाना क्षमता 50 लाख की है। जब नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी क्षमता 80 लाख हो जाएगी। बताया गया है कि अक्टूबर 2022 तक यह टर्मिनल पूरा होना था, लेकिन अब यह दिसंबर 2023 तक पूरा होगा। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट में बिहार सरकार, वैक्सीन फर्जीवाड़ी पर बोले स्वास्थ्य मंत्री। भारत के कई राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि के बाद अब बिहार का भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने काम को तेज कर रहा ही है। साथ ही इसी बीच वैक्सीनेशन को लेकर बड़े गड़बड़झाले की जानकारी निकल करके सामने आई थी, जिसको लेकर अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी राय दी है और कहा है कि अरवल में वैक्सीनेशन की रिपोर्ट में डेटा ऑपरेटर की गलतियों की वजह से खामियां आई थी। इसको लेकर डेटा ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं मामले की उच्चस्तरीय जांच भी हो रही है। लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की स्थगित। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग ने 23 जनवरी 2022 को परीक्षा लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद बीते दिन एक बार फिर से 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बीपीएससी 67वीं परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हैं। बीपीएससी की तरफ से मंगलवार को जारी नोटिस के अनुसार 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 दिन रविवार को किया जाना प्रस्तावित था। इस परीक्षा को अपरिहार्य कारण से स्थगित किया जाता है। परीक्षा आयोजन की नई तारीख की सूचना बाद में दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 67वीं परीक्षा के लिए लगभग 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पहुंचे शिवदीप लांडे, लेकिन विमान सेवा से दिखे नाराज, जमकर निकाली भड़ास। बिहार के सुपरकॉप के नाम से प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे बिहार में पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचते उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि स्पाइसजेट फ्लाइट की दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक व्यवस्था को आज मैंने महसूस किया। आज मेरी फ्लाइट के प्रस्थान का समय दोपहर 2:55 और इस लिहाज से सभी यात्रियों को फ्लाइट के अंदर 2:10 पर ही बिठा दिया गया। फिर 3:20 तक फ्लाइट यूं ही अपने स्थान पर खड़ी रही और फिर अचानक से 3:29 पर मोबाइल पर SMS के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि ये फ्लाइट अब 4:30 उड़ान भरेगी। बिना किसी उद्घोषणा के आप इतने बिहारी यात्रियों को यूं एक बंद डिब्बे में कैसे कैद कर सकते हैं? क्या ऐसा आप अन्य राज्यों के यात्रियों के संग कर सकते हैं? जब हम कुछ बिहारियों ने अपनी आवाज उठाई और अंततः एयरलाइंस मैनेजमेंट को फ्लाइट को पटना के लिए उड़ान भरनी पड़ी। बिहार में जल्द ही दूर होगी खाद की किल्लत। पहले सीएम नीतीश और अब कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों को खाद की समस्या से निकालने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार में जल्द ही खाद की समस्या दूर होने वाली है। बिहार में खाद की कमी जरूर है, सीएम नीतीश इसको गंभीरता से ले रहे हैं। इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अभी किसानों का पीक समय चल रहा है। गेहूं और आलू में बुआई के समय में एनपीके की जरूरत पड़ती है। एनपीके है भी तो डीएपी की कमी हो गई है। यह सिर्फ अपने राज्य में नहीं है, इसकी कमी फिलहाल सभी जगह पर है। सभी लोग परेशान हैं, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार का सहयोग हमें मिल रहा है। राज्य की सरकार भी गंभीर है। 20 मार्च के बाद जमा नहीं होंगे कोई बिल। बिहार के सभी विभागों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने बीते दिन बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत कोषागार में बिल को जमा करने के लिए एक कैलेंडर बनाया गया है, जिसके अनुसार जनवरी 2022 तक सभी बिल 28 फरवरी तक जमा किए जाएंगे। वहीं बिल जमा करने की दूसरी अंतिम तारीख 15 मार्च तक की गई है। उस दिन फरवरी महीने तक के सभी बिल जमा किए जाएंगे। आखिरी तारीख 20 मार्च है। सरकार ने सभी विभाग को आदेश दिया है कि वह तय समय सीमा के भीतर बिलों को कोषागार में जमा करे। इसके बाद ही बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा। आज से बदल सकता है बिहार का मौसम। देश के तटीय हिस्सों में जवाद तूफान का असर कम हो रहा है। हालांकि पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में अब जाकर इसका असर दिखने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटे में हवा की गति मिलने का पूर्वानुमान है। इतना ही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों ने आज से 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान भी जारी किया है, जिसके बाद अब कुछ ही दिनों में ठंड पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। जानकारों की माने तो बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात जवाद की वजह पुरवैया हवा ही है, जिसका असर अब सामने आने वाला है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी सिर्फ सुबह और शाम के समय ही लोगों को ठंड का एहसास होता है।
ओमिक्रॉन को लेकर पटना एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले की पुष्टि अब तक तो नहीं हुई है, लेकिन अभी से ही बिहार में नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। आलम कुछ यूं है कि आने वाले यात्रियों को एंटीजन जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, हर एयरपोर्ट पर डबल डोज टीके का सर्टिफिकेट देखा जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि टीका 15 दिन पहले दूसरा डोज लिया गया हो या नहीं, तो फिर 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर जांच के सर्टिफिकेट देखे जा रहे हैं। यात्रियों की माने तो कोरोना को लेकर बिहार सरकार बेहद ही सजग है। यही कारण है कि एयरपोर्ट पर जांच में कोई ढिलाई नहीं की जा रही है। आलम कुछ यूं है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट के अंदर भी पूरी तरह से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। ओढ़नी डैम के पास पर्यटकों का आना हुआ शुरू। बांका जिला कभी उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था, आज सैलानी बिना किसी डर के बांका जिले के ओढ़नी का दीदार करने जा रहे हैं, क्योंकि बांका शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ओढ़नी डैम के पास के इलाके को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और अब लोगों का हुजूम भी देखने को मिलने लगा है। ओढ़नी डैम के पास में पहाड़ी पर महादेव और मां पार्वती का मंदिर क्षेत्र की सुंदरता को और भी निखारता है। डैम के तीनों तरफ पहाड़ी जो हर पर्यटकों का मन मोह लेता है। इन सब के अलावा मुंबई की कंपनी के माध्यम से डैम में बच्चे बुजुर्गों के लिए बोटिंग की अच्छी खासी सुविधा भी है। यहाँ आए पर्यटकों का कहना है कि बिहार में ऐसी खूबसूरत जगह बहुत कम है। नए साल में एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा। आज के समय में लगभग हर किसी का अपना पर्सनल अकाउंट है, ऐसे में लोग धड़ल्ले से एटीएम से पैसा भी निकालते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आपको महंगा होने वाला है। आरबीआई ने अपने नए निर्देश में सभी बैंकों के एटीएम के इस्तेमाल पर अधिक चार्ज वसूलने के फैसले को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वीकृति के बाद नए साल से एटीएम से पैसा निकालने पर ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन पर भारी भरकम टैक्स देना होगा। अभी हर महीने एटीएम से पैसे निकालने के लिए 5 फ्री ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं। वहीं मेट्रो शहरों में ग्राहकों को एटीएम से सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जाती है। मुफ्त में ट्रांजैक्शन की सीमा समाप्त होने के बाद ग्राहकों को प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपए का चार्ज देना होता है। अब नए साल में चार्ज 20 की जगह 21 रुपए लगेगा। दरभंगा एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल निर्माण से पहले होगा T2 का विस्तार। ठंड का प्रकोप भले ही अभी नहीं दिख रहा हो, लेकिन जानकारों की माने तो ठंड का प्रभाव अगले कुछ दिनों में देखने को मिलने लगेगा। ऐसे में हवाई जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित होगी ही। इन्हीं सब आशंकाओं को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसके निराकरण के लिए योजना पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार नए टर्मिनल T3 के निर्माण से पहले एयरपोर्ट प्रबंधन टर्मिनल T2 के विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। इसी के तहत दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर मनीष कुमार ने टर्मिनल 2 के विस्तार की योजना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दी है। वहां से हरी झंडी मिलते ही टर्मिनल 2 के विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। शराब माफियाओं की अब खैर नहीं। बिहार में शराबबंदी को लेकर के लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच सरकार ने उत्पाद विभाग में अतिरिक्त पुलिस बल की कमी को दूर कर लिया है। पुलिस मुख्यालय ने विभाग की चिट्ठी पर तुरंत एक्शन लेते हुए 3 डीएसपी, 11 इंस्पेक्टर, 104 दरोगा और 244 सिपाही सहित होमगार्ड और सैप जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। इन सभी को तत्काल एक्साइज विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अतिरिक्त बल के मिलने से शराबबंदी कानून को लागू कराने में विभाग पूरी तरह से एक्शन में काम करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को शराबबंदी कानून का पालन कराने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने को लेकर पत्र लिखा था। बहादुर सैनिकों के लिए सीएम नीतीश ने अंशदान की अपील की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बीते दिन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने सीएम नीतीश से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। इस मौके पर सीएम नीतीश ने बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान किया। उन्होंने देश के बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुर सैनिकों की कुर्बानियां अमर हैं। वो अपनी जान के मूल्य पर राष्ट्र पर आए बाहरी और आंतरिक संकट का मुकाबला बहादुरी के साथ करते हैं। इन बहादुर सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान करने की अपील भी की। जदयू की बदजुबानी में राजद की बल्ले बल्ले। बिहार में सत्ताधारी जदयू और भाजपा नेता द्वारा पिछले कुछ दिनों से अपने ही दलों के नेताओं के खिलाफ कई प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जदयू विधायक गोपाल मंडल, जदयू सांसद अजय मंडल आदि ने पिछले 2-3 दिनों में अपने ही दल के नेताओं के खिलाफ कई अजीबोगरीब बयान दिए हैं। इसी मौके का फायदा अब राजद ने उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अखबारों की कटिंग के साथ ट्वीट किया। उन्होंने गोपाल मंडल और ज्ञानू प्रकरण का जिक्र करते हुए लिखा कि स्टेट ऑफ
बिहार अंडर नीतीश कुमार। भाजपा एमएलए कह रहे हैं कि भाजपा एमएलसी जमीन और शराब माफिया है। जदयू एमएलए कह रहे हैं कि जदयू एमपी अफीम और शराब माफिया है। जनता द्वारा ठुकराई और दुत्कारी हुई चोर दरवाजे की सरकार का जमीन बालू और दारू ही मुख्य कारोबार है। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि तेज प्रताप ने भी तेजस्वी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सरकार पर तंज कसा है। जातिगत जनगणना पर बोली लेसी सिंह, बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अब सीएम नीतीश ने यह साफ कर दिया है कि जातिगत जनगणना बिहार में अपने खर्चे पर करवाई जा सकती है, भले ही उसके लिए जल्द ही सभी दलों की राय ली जाएगी, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शुरू से जातीय जनगणना के पक्ष में रही है और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष तो अब इस मामले को उठा रहे हैं और जातीय जनगणना की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू और भाजपा अनर्गल बयान ना दे गठबंधन के लिए ठीक नहीं। इन दिनों जदयू और भाजपा अनर्गल बयानबाजी में लगे हुए हैं। लगातार एक दल में होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अब हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने दोनों दलों को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि जदयू और भाजपा के नेताओं से आग्रह है कि एक दूसरे पर किसी तरह की अनर्गल टिप्पणी से परहेज करें। गठबंधन के लिए ये ठीक नहीं है। आप लोगों के बेवजह बयानबाजी से विपक्षी दल के नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगते हैं और किसी का सपना बार बार टूटे, ये ठीक नहीं है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट किया। वसुंधरा राजे 2003 में सिंधिया राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई। उमा भारती 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई। मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध पेशवा बालाजी बाजीराव का जन्म 1721 में हुआ। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म 1935 में आज के दिन हुआ। भारतीय अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का जन्म 1944 में आज के दिन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहे जनकवि रमाशंकर यादव विद्रोही का निधन 2015 में आज के दिन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भाई परमानंद का निधन 1947 में आज के दिन हुआ था। दौरे के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारतीय टेस्ट टीम। भारत के खिलाफ अपने घर में 26 दिसंबर से शुरू होने वाली सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को अपनी 21 सदस्यीय टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है, जबकि भारत भी अगले कुछ समय में अपनी टीम का ऐलान कर सकती है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का चयन किया है, जिसमें उन्होंने उपकप्तान अजिंक्य रहाणे समेत कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है, जिसके तहत इन्होंने अपनी टीम में रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव को शामिल किया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,090 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,320 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, नरेश कुमार शाह, जहां खातून, राजीव कुमार, कुमार राहुल, शंकर मुखिया, नवीन कुमार, कुमार दीपक, विजय घायल, विकास पांडे, रामबाबू पासवान, विकास दरभंगा, मनोज कुमार, पूजा कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार की किस अभिनेत्री ने बिहार का मान सबसे ज्यादा बढ़ाया है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।